मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के भेसोदा मंडी में एक युवक इशाक की हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया था। उसका पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया। पुलिस के अनुसार कुछ समय पूर्व लाखों रुपए में जमीन बेचने की बात सामने आई थी। आरोपियों ने इशाक का अपहरण करने की योजना बनाई। आरोपी आकाश घर के बाहर घूम रहे इशाक को कार धोने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया। आकाश नायक ने कैलाश के साथ मिलकर इशाक के पिता से फिरौती मांगने की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर इशाक को संतरे के बगीचे में जाकर गिरा दिया। तीनों से इशाक नहीं संभला तो वंशी और राजू को फ़ोन लगाया। उसके बाद लखन ने डराते से वार किया और आकाश ने साफी से गला घोटकर मार दिया। कैलाश, राजू, वंशी ने मृतक के मोबाइल, चप्पल, रस्सी, दरांता झाड़ियों में छिपाकर लाश को कुएं में फेंक दिया। 29 मई 2020 रात के करीबन 12 बजे के टाइम पर यशोदा मंडी निवासी इकबाल के द्वारा रिपोर्ट मिली कि उनका बेटा इशाक जो है वो घर पर था। तभी एक व्यक्ति आके कि उसके कार को धोना है, धुलवाने के बहाने उसको घर से ले गया, लेकिन अभी तक तो उसका पुत्र लौट के नहीं आया। तत्काल इसमें गुमसंग कायम करके पुलिस के द्वारा चारों नाकाबंदी कर दी गई थी और उसके मोबाइल फ़ोन की भी जो है जानकारी प्राप्त की गई। उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ नहीं आ रहा था, तो जानकारी उसके बारे में प्राप्त नहीं हुई। 31 मई को यशोदा गांव में ही भैरूलाल प्रजापति के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उसके खेत में बने कुएं में एक व्यक्ति जो है उसका यानी शव जिसके हाथ पर बंधे हुए हैं पड़ा हुआ है। तत्काल चौकी प्रभारी लखन सिंह राजपूत और बाकी जो लोग गए वहाँ पर इकबाल और उनके परिवार जन भी यानी आगे थे, उन्होंने कुएं में जिस सबको देखा उसको देख के उन्होंने कहा कि ये उनका पुत्र इशाक का शव है। उसको निकलवा कर और उसको एफएसएल टीम भी एमएस पहुँच चुकी थी, उनके द्वारा उसका यानी निरीक्षण किया गया तो ये पाया कि उसके हाथ पर पीछे बंधे हुए हैं और गले को जो है यानी कि उसमें स्ट्रगल मार्क्स भी थे, तो उसको देख के लगता है कि उसको हत्या की गई। तत्काल जो है उसमें 302 दोस्तों का किसी का पकड़ पड़ने के बेचम दिया गया। तो इसमें पूरा जो पकड़ समझ में आया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य मैंने प्राप्त हुए वो ये आए कि जो व्यक्ति इनके घर पर आया था उस व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने जो मतलब पैसोदा भाई अध्यक्ष था उससे पूछताछ में उसने जो हुलिया बताया था उस हुलिये के आधार पर मेरे द्वारा एक पोर्ट्रेट तैयार किया गया और उस आधार पर ये व्यक्ति कौन हो सकता है बेसौदा गांव के लोगों से पूछताछ की गई तो एक आकाश नायक नाम व्यक्ति का नाम सामने आया। उससे तो पूछताछ करते हुए उससे जानकारी प्राप्त की गई तो उसके द्वारा घटना के बारे में बताया और कुल मिला के 5 लोगों के द्वारा इशाक के साथ उसकी फौती की मांग को लेकर हत्या कर दी। तो इसमें जो बात सामने आई है कि जब इशाक गाड़ी के बहाने ये लोग ले गए थे तो वहाँ पर आरोपी कैलाश और आरोपी लखन माली जो है मौजूद थे, वहाँ इन लोगों द्वारा उसको पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और चूंकि ये भी थोड़ा सा ताकतवर था भागने का प्रयास किया तो उन लोगों ने उसके सिर में वार किया और काफ़ी प्रयास करने के बाद जब ये सफल नहीं हुआ बेटा तो उन्होंने उसको जो है गला घोट कर मार दिया और हाथ पैर बांध कर भैरूलाल प्रजापति के खेत में बिठा दिया। भानपुर से हुकम सिंह की रिपोर्ट।